हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक स्मार्ट इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली कुछ दिखाने वाले हैं, कुछ चेक करने वाले हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में, फास्ट दुनिया में हमको क्या चाहिए आज की डेट में? फास्ट इंटरनेट, जिससे हम सोशल मीडिया से जुड़े रहें। और फास्ट इंटरनेट कैसे मिलता है? जब आपको कोई फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, वो आपको दे रहा हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पास डिवाइस जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि राउटर जो आप तक अच्छी स्पीड जो है अच्छे से दे पाए। सो यहाँ पर आईबॉल ने हमें भेजा है एक आईबॉल बैटन। ये एक राउटर है, बेसिकली ये मैश राउटर है, लेकिन इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम वीडियो के अंदर में। सो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा घंटी के बटन के साथ। सो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स की पैकिंग देखो तो काफ़ी प्रीमियम फील हुआ इस बॉक्स को ओपन करते हुए। और साथ ही मैं यहाँ पे सबसे पहले अडैप्टर मेरे हाथ में है, अडैप्टर भी वाइट कलर का है, इसका प्रोडक्ट वाइट कलर का है। सो अडैप्टर की क्वालिटी जो है यहाँ पे अच्छी लग रही है, 3-pin अडैप्टर है। और साथ ही मैं इसकी केबल की जो लेंथ है वो भी अच्छी लग रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है मेन प्रोडक्ट, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे हाथ में आ गई है इथरनेट केबल, जिसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी है वाइट कलर में। तो पूरा सब कुछ वाइट कलर में है। इसके अलावा जो हमारे हाथ में आ जाती है मैनुअल जरूर आपको पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता है किस तरह से इंस्टॉल करना है। और इसकी एक साल की वारंटी आती है प्रोडक्ट की। इस राउटर को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो आईबॉल की आई कनेक्ट की ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो इजीली। सो फिलहाल हमारे हाथ में ये मेन हमारा जो प्रोडक्ट है, इसे एक बार निकाल करके देख लेते हैं। तो ये भी पूरा प्योर वाइट कलर में है। सामने आप ब्रांडिंग देख सकते हो, आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी आईबॉल की। और नीचे एलईडी इंडिकेटर है जो रेड येलो ग्रीन अलग अलग कलर्स में इंडिकेट होता है। और पीछे के साइड में आप देखेंगे तो आपको ब्रैकेट्स मिल जाते हैं, जिससे आप वॉल में माउंट भी कर सकते हो। और हार्ड रीसेट का बटन भी है पीछे के साइड में, और लैन का पोर्ट है, वैन का पोर्ट है, और साथ ही पावर अडैप्टर लगाने के लिए एक पोर्ट दिया गया है। सो जो पोर्ट्स की प्लेसमेंट है वो इस तरह से की गई है कि आपकी वायर जो है टूटे ना, खराब ना हो। तो ये यहाँ पे अच्छी लगी मेरे को, जो इसकी पोजीशन है यहाँ प्लेस किया गया है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लाइन से भी आप लगा के अपनी इंटरनेट केबल इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे राउटर के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। सो मैश टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, जिससे आप काफ़ी अच्छे तरह से वाईफाई की रेंज ले सकते हो, काफ़ी मल्टीपल डिवाइसेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा साथ ही में यहाँ पे इसकी जो रेंज है, जो कवरेज है, वो 1500 स्क्वायर फीट तक है। और इस राउटर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। सो ये बेसिकली एक वाईफाई मैश राउटर है, मतलब कि आप इससे अन्य और राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे डिवाइसेस भी अगर आप जब इससे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास आपका है मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपके और भी घर कई सारे मोबाइल हैं, घर में काफ़ी लोग होते हैं या ऑफिस में काफ़ी लोग होते हैं। सो एक स्मॉल मीडियम साइज ऑफिस जो है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी रेंज जो है लगभग 1500 स्क्वायर फीट तक है, 1500 स्क्वायर फीट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से। और काफ़ी सारे जितने भी डिवाइस आप इससे कनेक्ट करोगे, उन सबको ये प्रॉपरली डिवाइड करके स्पीड, हाई स्पीड जो है देने वाला है। जो नॉर्मल राउटर्स अगर आप देखोगे और भी जो होते हैं, अगर वो 1200 Mbps तक के हैं तो वो अच्छी जो है स्पीड जो है वो देते हैं, डिवाइड करते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि इसमें एक तो इसकी रेंज ज़्यादा है 1500 स्क्वायर फीट, दूसरा इसमें आप और भी वेब वर्क्स इस तरह के आप ऐड कर सकते हो, आप उसके साथ जोड़ सकते हो, जिससे कि अच्छे कनेक्शन, अच्छी और स्पीड आपको मिल सके। सो बाकी और अन्य राउटर आप इससे जोड़ लोगे, आप इसके साथ में और भी जितने ज़्यादा डिवाइसेज जोड़ोगे, सबको अच्छी स्पीड ये देता है। सो मेरे पास जो इस समय जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो इंटरनेट कनेक्शन जो है लगभग 100 Mbps का प्लान है मेरा। स्पीड टेस्ट जब भी मैंने करता हूँ उससे, अपने पास मेरे पास जो 1200 Mbps का राउटर है, सो उससे स्पीड जो है लगभग 40-50 तक की दिखाता है जब स्पीड टेस्ट में चेक करते हैं। लेकिन जब मैंने इस राउटर को उसके थ्रू कनेक्ट किया, मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी राउटर है उसके थ्रू इसे कनेक्ट किया, तो तब
इसकी स्पीड जो है लगभग 80 तक मेरे को दिखाया, 80 Mbps तक अपलोड और डाउनलोड स्पीड। और जब मैंने इसे डायरेक्ट कनेक्ट किया अपने इंटरनेट लाइन से, आप इसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो अपने जो प्रेजेंट राउटर है उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। सो जब मैंने इसे डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट किया तो 100 Mbps तक की स्पीड दिखा रहा है। और रेंज भी मैंने इसकी चेक करी, वाकई में काफ़ी बेहतर रेंज है, 1000 से 1500 इनफैक्ट जो बोला गया है 1500 स्क्वायर फीट वाकई में इसकी, हालांकि डिपेंड करता है कि बैरियर्स ज़्यादा ना हो बीच में, बट इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है जो मेरे पास प्रेजेंट राउटर उससे तो अच्छी है। बेसिकली ये मैश राउटर है और इसमें और भी राउटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। और जितने भी डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट करोगे, तो मैंने जो यूजेज जो मेरी है मैंने देखी, तो परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क आया अगर मैं इसे डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट करता हूँ। सो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे मिली इसकी, जो मेरे पास पहले कनेक्शन जो राउटर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना ज़रूरी। मान लीजिए अगर आपके पास 10 या 20 या 30 या 50 Mbps का प्लान है, सो उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ये ज़्यादा स्पीड दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड का है तभी ये आपको, जाहिर सी बात है क्षमता इसकी है 1000 Mbps तक की, तभी ये आपको हाई स्पीड जो है आपको एक्सेस करा पाएगा। यानी कि पास आपके पास प्लान भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद डिवाइस भी अच्छा। मान लीजिए आपके पास प्लान अच्छा है 100 Mbps का है, लेकिन आपके पास राउटर जो है वो 300 Mbps या 500 Mbps का है, तो तब भी वहाँ पे आपको स्पीड अच्छी नहीं मिल पाएगी, रेंज अच्छी नहीं मिल पाएगी। सो ये मैटर करती हैं चीज़ें। सो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन साथ ही में एक अच्छा राउटर भी होना चाहिए जो आपको अच्छी रेंज साथ ही में और मल्टीपल डिवाइसेज जब आप कनेक्ट करते हो सो वो वहाँ पे आपको काफ़ी सबको डिवाइसेज को बराबर हिसाब से बांट करके स्पीड दे सके। सो जो यहाँ पे इस आईबॉल के इस राउटर, मैश राउटर बेसिकली, इसके अंदर में जो खासियत है, जो इसके अंदर काबिलियत है, इतनी जो क्षमता है। सो पहली क्या चीज़ है, हम इससे और अन्य राउटर्स भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी राउटर आप कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। और इसके अलावा मल्टीपल डिवाइसेज जब आप कनेक्ट करोगे तो रेंज और स्पीड जो है वो अच्छी रहने वाली है। इसको कनेक्ट करना, यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको अपना मोबाइल डिवाइस में एक, इसमें QR कोड आते हैं iOS और Android दोनों, तो आप जब बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास प्ले स्टोर या iOS से आप ऐप डाउनलोड करोगे, आई कनेक्ट करके ऐप है आईबॉल की, जहाँ पे आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको वहाँ पे उसमें पेरेंट कंट्रोल, आपको सेटिंग्स जितनी भी है वायरलेस की, पासवर्ड वगैरह, या फिर गेस्ट को एनेबल करना, गेस्ट फीचर को, सो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो आप। सो ऐप के अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूज़ कर सकते हो इजीली आप अपने डिवाइस को। सो ऐप के थ्रू आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर में। और वहाँ पे आप और भी वेब वर्क, यानी कि और भी इस तरह के डिवाइसेज अगर आप कनेक्ट कर सकते हो वो भी वहाँ पे आप ऐड करके कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली एक आपको एक ऐप मिल गई, एक जगह मिल गई जहाँ से आप अपने राउटर को कंट्रोल कर सकते हो और उसको आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सो प्राइस की अगर बात कर लें इसकी, इसका प्राइस लगभग 3.5 से 4 हज़ार रुपये तक का है। अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन, हो सकता है आपको किसी सेल्स वगैरह में डिस्काउंट भी कुछ मिल जाए। और ये जो मॉडल है ये 12GM है, और एक और मॉडल आता है इसमें 12EM, वो इससे कम कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा प्राइस भी उसका कम है, वो लगभग 1800 रुपये तक का है। सो ये जो मॉडल आते हैं इसमें 12GM 12EM, ये 12GM है जिसकी जो रेंज है वो 1500 स्क्वायर फीट, और उसके अलावा यहाँ पे इसकी जो क्षमता है वो 1000 Mbps तक है। सो इसका बाय करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको आई हो पसंद, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को घंटी के बटन के साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।